وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सरवर दो आलम, फखरे दो आलम, रूह है दो आलम, हजरत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि कुल्लमा क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमिद अल्लाह व असना अलैह। जब कभी भी आप वाद नसीहत के लिए खड़े होते तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द और सना बयान करते, उसके बाद खुतबा शुरू करते, तकरीर शुरू करते, सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान करते। खुदा से आप देखते होंगे उलेमाए किराम को कि जब कभी भी वो खिताब करते हैं, बात नसीहत करते हैं, तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहकर शुरू करें। हुजूर की इताअत में आपकी फरमाबरदारी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम्द इलाही से बड़ी निस्बत है, बड़ी मुनासिबत। आपका नाम क्या है? मोहम्मद, अहमद, हामिद, ये सब आपके नाम हैं। अहमद ये नाम रखा हुजूर की मां ने, आमना बी ने, और मोहम्मद ये अबू तालिब ने नाम रखा, और हामिद तो आप नहीं हैं। आपका नाम मोहम्मद है, अहमद है और हामिद है। तीनों नामों के अंदर अल्लाह की हम्द मौजूद है। अल्लाह तो जो उम्मत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो उसका नाम भी हम्मादून है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हम्मादून, यानी अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं वो भी हम्द इलाही से शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी अन्ना। अक्सर दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द इलाही से थी। क़यामत के दिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो मकाम अता किया जाएगा, जो किसी पैगंबर को, किसी रसूल को नहीं है, आप ही का वो मकाम है। उस मकाम का नाम क्या है? मकाम महमूद। आप पढ़ते हैं नहीं हमेशा अज़ान के बाद जो दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाह पहा आति मुहम्मदन अलवसीलता वलवसीलता वबअसहु मक़ामम महमूदा। ये दुआ करते हैं अपने हबीब पाक के लिए, अपने मर्सिल के लिए। या अल्लाह आपको मकाम महमूद में भेज देना, वहां पहुंचा देना जो आपका वादा है। तो जो मकाम आपको दिया जाएगा क़यामत के दिन, वो मकाम, उसका नाम भी महमूद है, मकाम में महमूद, उसमें भी हम्द इलाही है। और अल्लाह अल्लाह क्या मकाम है फिर करीम हमद रसूलुल्लाह का आजमत है सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क़यामत के दिन सारी दुनिया परेशान होगी। अंबिया के पास जाएंगे कि अल्लाह से सिफारिश कीजिए कि अल्लाह ताला जल्दी फैसला सुना दे, जो जिधर जाना उधर चला जाए। तंग आ गए कयामत की हौलनाकी, उसकी दहशत, उसकी सख्तियां बर्दाश्त नहीं होंगी। हर पैगंबर माजरत कर देगा, इधर मेरा ये काम नहीं, मैं नहीं कर सकता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, आप फरमाएंगे कि बेशक अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, मैं जरूर अल्लाह से गुजारिश करता हूं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आगे, अल्लाह के हुजूर में सजदे में पड़ गए और आप फरमाते हैं कि मैं सजदे में पड़ के गिर के अल्लाह की ऐसी ऐसी हमद और सना बयान कहूंगा कि इस वक्त मेरे जहन में भी नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहम आएगा अपने हबीब पाक पे और फरमाएगा अल्लाह ताला के इस पहरात गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, इस पहरात सर तो उठा। मांगिएगा, मांगते हैं, जो मांगेंगे दिया जाएगा आपको। वशफा तो शफा, और शफात कीजिए आप, आपकी शफात कबूल की जाएगी। फरमा के लिबाउल हमद फी यदी, क़यामत के दिन लिबाउल हमद मेरे हाथ में होगा। वल अंबिया कुल्लुहुम तहत लिबाई, और तमाम अंबिया मेरे झंडे तले होंगे। उस झंडे का नाम जिसको हुजूर उठाएंगे क़यामत के दिन, वो तमाम अंबिया उसके तले होंगे। उस झंडे का नाम भी लिबाउल हम्द, वहां भी हमद इलाही। तो आपने गौर कर लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, आपकी उम्मत को हमद इलाही से कैसी मुनासिबत। कुछ नसीब है वो लोग जिन जुबान पर हमद इलाही के तराने होते हैं हर वक्त। कुछ नसीब हर वक्त अल्लाह की तहमीद, उसकी तहमीद, उसकी तकबीर। जुबान रसबुल्लिसा है, जुबान तरोताज है। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ्फात कुल्लुन क़द अलिमा सलातहू व तस्बीहा। देखा नहीं तुमने कि आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं, मनसमावात वल्ल, आसमान में जमीन में जितनी चीजें, जितने लोग भी इंसान हो या फरिश्ते हो, वत्तैरु साफ्फात, और ये परिंदे जो पट फैलाए हुए उड़ रहे हैं, ये अल्लाह के सारे के सारे अल्लाह की हर तो सना बयान कर रहे हैं। अल्लाह की हर तो सना बयान कर रहे हैं। हरेक कुल्लू का जाने व सलाह था, हरेक अपने अपने नमाज को जानता है। जैसे आपकी नमाज है ना, किसी तरीके से हर मखलूक की नमाज है, परिंदों की भी नमाज है, जानवरों की भी नमाज है। उनकी नमाज अपने तरीके पर है जो अल्लाह ने मुकर्रर की, और अपने तरीके पर है जो अल्लाह ने बताई। मजाने में खड़ा था। हर एक ने अपनी अपनी नमाज को जान रखा है और उसके मुताबिक अल्लाह के हम्द व सना बयान कर रहे हैं। हज़रत दाऊद अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे और अल्लाह की हम्द व सना बयान करते थे तो कुरान कहता है कि पहाड़ भी और परिंदे भी उनके साथ साथ अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं। अल्लाह इन्ना सखरना जिबाल माऊ युसब्बिहना वत्तैर। अल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की हम्द व सना बयान करते, अल्लाह का जिक्र करते तो साथ साथ पहाड़ भी और परिंदे भी सारे के सारे अल्लाह के हम्द व सना बयान कर रहे हैं। वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। अल्लाह फरमाते हैं कि कायनात का एक एक जर्रा, क्या आसमान, क्या जमीन, क्या चरिंद, क्या परिंद, क्या शजर और हजर, जितनी चीजें भी हैं हर एक अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहा है, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहा है। भला चिल्ला तब कहू न तस्वीर हो, तुम उनकी तस्वीर को, उनकी हम्द व सना को बयान करने को तुम समझते नहीं। देखो अपने अपनी जुबान में हर एक अल्लाह को याद कर रहा है और तस्वीर पढ़ रहा है और हम्द व सना बयान कर रहा है अल्लाह ताला की। कायनात सारी की सारी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात को गया, आसमानों की सैर कराई गई। पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें सब पर पहुंचे। अंबिया से मुलाकातें हुई और मेराज का वाकया आप सुन चुके हैं बात दफा। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं पहले आसमान पर गया, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पर गया तो मैंने देखा सातों आसमानों में एक बारिश भी ऐसी जगह नहीं है कि जो फरिश्तों ने अपने सजदों से पाक न रखी हो और अल्लाह की हम्द व सना बयान न कर रहे। खुदा के सामने सजदरेज है फरिश्ते और अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे, उनकी गजाई अल्लाह की हम्द व सना है। वो खाते पीते नहीं, उनकी गजाई जो है अल्लाह की हम्द व सना है। ये उनकी गजा, ये उनका खाना पीना। फिर हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं सातवें आसमान पर गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मैंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी इमारत है, उसमें बेशुमार फरिश्ते अंदर दाखिल हो रहे हैं और बेशुमार फरिश्ते बाहर निकल रहे हैं। मैंने जिब्रील से पूछा ये क्या मामला है? आपकी सरकार, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये फरिश्तों का इबादत खाना है, ये फरिश्तों की मस्जिद है। एक इबादत खाना अल्लाह ताला ने दुनिया में बैतुल्लाह को बनाया है, मरकज इबादत। और इस बैतुल्लाह की सीध में सातवें आसमान के ऊपर ये फरिश्तों का इबादत खाना है। जिस तरीके से जमीन के ऊपर सारी दुनिया से लोग कट कट कर और वहां पहुंच रहे हैं और अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं, तवाफ हो रहा है, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। इसी तरीके से आसमान के ऊपर इसकी सीध में आसमान पर मस्जिद है फरिश्तों की, वो वहां खुदा की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। फरमाया के 70,000 फरिश्ते रोजाना इस मस्जिद में दाखिल होकर के अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं। और 70,000 निकल के इबादत करके हमको सना बयान करके बाहर निकलते। और इस कदर फरिश्तों की बहुतात है जो एक गैंग और एक जमात अंदर जाके अल्लाह की इबादत के लिए दाखिल होकर बाहर निकल आई, क़यामत तक के लिए उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी कि फिर जाए और इबादत करे। इतने फरिश्ते। अल्लाह ने फरमाना तुम तकब्बुर करते हो और अल्लाह से अकड़ते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह के पास ऐसी मखलूक है जो उनके गजाई तस्वीर तहमीद है। तुम क्या हो? सब दो। यहां तक के कंकर और पत्थर भी खुदा की यहां से गाफिल नहीं है। वो शख्स याद इलाही से और अल्लाह के हमदो सना और जिक्र इलाही से गाफिल है, वो पत्थर से भी गया पीता है, वो जानवर से भी गया पीता है। हजरत दोनों सला नबीना अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगल लिया, वो अपने पेट में लेकर के समंदर में चक्कर लगाने लगी। वो चक्कर लगाते लगाते समंदर की तह में पहुंच गई। सब तो क्या खुदा ताला की शान है, मेरे रब की। समंदर की गहराई का कुछ पता है कितने गहरे? मैं एक दफा सफर कर रहा था बहरी जहाज में, तो वहां उसके जो कैप्टन था वो यहूदी था। जब मैं फर्स्ट क्लास के सामने डेक के ऊपर नमाज पढ़ा था, बिलखुसूस मगरिब थी, तो कैप्टन यहूदी आकर के खड़ा हो जाता और बोले ध्यान के साथ सुनता रहता। उसको बड़ी मोहब्बत हो गई, अक्सर मुझे ऊपर नहीं जाता और जहां खुद वो बैठकर ड्राइवर वगैरह करता है वहीं मुझे बिठा देता। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा ये बराबर में एक चरखी लगी हुई है और घूमती रहती है, ये क्या है? कहने लगे मामा इससे हम समंदर की गहराई नापते हैं कि कितना गहरा समंदर है। मैंने उससे पूछा कि तुमने जो समंदरों की गहराई नापी है तो कहां तक तुमने समंदर को पाया, कितना गहरा पाया? कहा कि अल्लाह के इल्म में वो कितना है गहरा, लेकिन हमारी मालूमात में जहां तक हमारी मालूमात में चीज आई है तो हमने देखा कि 80-80 मील गहरा है, 80 मील। यही तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हजरत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे, निकल के ले गई। वनादा फिस्सुलुमाते अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तारीख की दर तारीख को मैं पुकारा, सबसे नीचे। या अल्लाह मैं सबसे नीचे हूं, तू सबसे ऊपर है। तह बतें अंधेरियों में हूं, पानी की तह बतें अंधेरियां, मछली के पेट की अंधेरी, उसके मेदे की अंधेरी। और अल्लाह को पुकारा। हजरत यूनुस नबीना अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब मछली की पेट में बैठा, वो मुझे लेकर के समंदर की तह में पहुंची, तो वहां समंदर की तह में बिछे हुए कंकर और पत्थरों पर बैठ गई। समर्पित किस्सा में जो कंकर पत्थर बिछे हुए थे उनके ऊपर जाकर बैठ गई तो मैंने अपने कानों से सुना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने अपने कानों से सुना कि वो समंदर की तह में बिछे हुए कंकर और पत्थर अल्लाह के हमद और सना बयान कर रहे। फरमाती ये सुनकर मुझे हैरत हुई कि तू दो वहां पे पड़ा हुआ है, तू भी रब को पुकार, कंकर और पत्थर तो जो है अल्लाह को याद कर रहे हैं, तू वैसे ही पड़ा हुआ है। फौरन से बात पर कलमा जारी हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहू मिनल गम्मि वकज़ालिका नंजिल मुमिनीन। हमने उनकी पुकार को सुन लिया और जिस गम में वो मुब्तला थे उससे हमने उनको निजात दे दी। और फरमाइश उन्हीं पर मौकूफ नहीं है। जो ईमानदार आदमी भी रब पर यकीन रखकर उसको पुकारेगा, मुसीबत के वक्त में उससे दुआ करेगा, मांगेगा, तो हम उसको भी इसी तरह निजात दे देंगे जैसे यूनुस को दी। मगर रही वो करीब बड़ा पाए क्या टाइम हो गया भाई, वक्त हो गया, हाँ 3-4 मिनट हो गया। मेरा आज तो अल्लाह के हम तो सना पर ही मामला हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक दे कि हमारी जुबान पर अल्लाह के हम जारी है, इसलिए कि हम माजून हैं, हम तो सना बयान करने वाले हैं, हमारा नाम ही हम माजून है, हमारा पैगम्बर भी हामिद और महबूद है। बड़ी मुनासिबत चाहे से कभी गफलत न बरते, तो बराबर अपने रब को याद करें, अल्लाह के हमदो सना, उसकी तहमीद, उसकी तकबीर, उसको हर वक्त अल्लाह का अपनी जुबान को हिलाते ही रहे। जैसे आपने गुज़िश्ता जुमे सुना होगा कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बंदा जब तक अपने झोंक हिलाता रहता है जिक्र इलाही में, अल्लाह फरमाते में उसके साथ होता है। अल्लाह जिसके साथ हो और उसकी क्या फिक्र है दुनिया और आखिरत। और अल्लाह पर एक आयत तो बड़ी अजीब है, इंसान झूम उठे और कहा कि बस गुरूनी याद करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह कितना बड़ा मकाम है, फरमा कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हमद इलाही की, जिक्र इलाही की तौफीक अता फरमाए और रब्बुल आलमीन हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنك تعالى جواد كريم ملك المرور